हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और पिछली क्लास में हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास में जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने कुछ वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करा दी थी। आज हम अपना अगला पोर्शन पढ़ने वाले हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, आप लोगों को क्या समझ में आता है इस वर्ड से? तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पास क्या कोई पावर है? हाँ जी सर, इलेक्ट्रिसिटी के पास आपकी एक पावर होती है और पावर आपकी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। आपने जो पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर का आपको अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है कि आपका कितना वर्क डन हो रहा है कितने गिवेन टाइम में, इसको क्या बोलते हैं आप, पावर। वर्क डन को आप किस में मेजर करते हैं? सर, वर्क डन की जो यूनिट आती है वो जूल आती है और टाइम की आपकी यूनिट क्या आती है, सेकंड। तो जूल्स पर सेकंड आपकी पावर की एक यूनिट आती है और पावर की जूल्स पर सेकंड यूनिट को ही आप क्या बोल देते हैं, वॉट बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में काफी बातें हम यहां पर पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क, कितना आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है इन यूनिट टाइम। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब आप समझिएगा, मैंने आपको क्या बोला, पावर क्या होता है हमारा, वर्क डन इन गिवन टाइम, कितना आपका टाइम उसने काम करने के लिए लिया। ठीक है, तो अगर आपने यहां पर टाइम को कितना मान लिया, यूनिटी ले लिया यानी वन ले लिया, तो आपका इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल आ गया? सर, इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल आ गया, आपके वर्क डन के। और कौन सा वर्क डन? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसी चीज का आपका ये होता है और आपका पावर का फॉर्मूला आपको मैंने यहां बता ही दिया, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, जहां पे वर्क डन की यूनिट क्या आती है, आपकी जूल, इसकी यूनिट होती है सेकंड। तो पावर की अगर आप ऐसा यूनिट की बात करें तो आपकी पावर की ऐसा यूनिट आपकी क्या होती है, वॉट, जिसको आप जूल्स पर सेकंड भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में और बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। तो आपके यूनिट्स ऑफ पावर में चलेंगे तो यूनिट्स ऑफ पावर आपकी यही है कि आपकी पहली जो यूनिट आती है यहां पर वो क्या है, आपकी जूल्स पर सेकंड। मैंने आपको बताया जूल्स पर सेकंड, और इसी चीज को आप क्या बोल देते हैं यहां पर, वॉट बोल देते हैं। पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन आता है डिफाइन वन वॉट। वन वॉट आप कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले आगे क्वेश्चन कराए थे, आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन वन वॉट। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, द पावर ऑफ वन वॉट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क इन वन जूल पर सेकेंड, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मेरे तरीके से पढ़ना, आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो समझना आपका पावर का फॉर्मूला क्या आता है, पावर का फॉर्मूला क्या आता है आपका, ठीक है, कि आपने कितना वर्क किया कितने टाइम में, ये बोलते हैं। ठीक है, अब समझना, ठीक है, पावर आपकी क्या होती है, पावर होती है कि सर अगर आपने एक सेकेंड के अंदर, अगर आपने एक जूल का इलेक्ट्रिक वर्क किया, तो वहां पर जो एक जूल के इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए जो पावर लगी होगी उसको क्या बोलते हैं, वन वॉट बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि सर अगर आपने एक सेकंड के अंदर अगर आपने एक जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क किया, तो वहां पर एक जूल के इलेक्ट्रिकल वर्क को करने के लिए जो पावर चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, वन वॉट बोलते हैं। द पावर ऑफ वन वॉट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्किंग। रेट ऑफ वर्किंग मतलब आपका टाइम आ गया, तो रेट ऑफ वर्किंग कितना, एक जूल का काम आपने जब एक सेकंड में किया उसको वन वॉट बोला जाता है। क्लियर हो गई वाली बात? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है आपसे एग्जाम में, और आपसे एग्जाम में दो मार्क्स में पूछी भी गई है डेफिनेशन, ये इसलिए मैंने आपको यहां पर अलग से बता दिया। क्लियर, चलिए आगे चलते। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारी वॉट होती है ना वो बहुत छोटी यूनिट होती है। अगर हम वॉट की बात करें तो बेटा वो बहुत छोटी यूनिट होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक आपकी नई यूनिट लेते हैं, थोड़ी बगर आपकी बिग यूनिट लेते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, किलो वॉट बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 1 kW। तो 1 kW आपका किसके इक्वल आता है बेटा, 1000 वॉट के इक्वल आता है।
इस पॉइंट को आप नोट कर लेना कि सर किलोवाट हमने क्यों लिया, तो किलोवाट इसलिए लिया क्योंकि किलोवाट आपकी एक बड़ी यूनिट है, ठीक है, इसलिए हमने यहां पे इसको किलोवाट को यूज किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना, आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकते हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आपके किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की हम बात करते हैं, जब आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, अगर उसने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी कितने में करी, एक जूल में करी, एक जूल की आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी और पर सेकेंड के हिसाब से करी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पावर को वन वॉट बोल देते हैं। तो पावर को बेटा एक जगह से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आगे जो मैं आपको बताऊंगा कि पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि जब उसने आपकी एक जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी अप्लायंस ने आपकी कंज्यूम करी इन गिवन टाइम वन सेकेंड, तो वहां पे जो पावर होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, वन वॉट बोल देते हैं। तो पावर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस चीज को भी आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। क्लियर फर्स्ट वाला पॉइंट। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। सिंपल है कि आपने जिस रेट से इलेक्ट्रिकल वर्क को काम किया, ठीक है, और या फिर आपने जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया वही क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। यही तो था आपका इलेक्ट्रिक पावर, क्या था आपका इलेक्ट्रिक पावर, डिफाइंड है कि आपने जिस रेट से, रेट से मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, आपने जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया या फिर जिस रेट से आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम, इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर या पावर को आप एनर्जी के टर्म्स में और वर्क के टर्म्स में दोनों चीजों में दिखा सकते हैं। क्लियर हुई वाली बात। अगला, अगर आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी, ठीक है, समझ में आ गया। और आपने मुझसे एक डब्ल्यू का, वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने जूल सीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने वर्क डन का, याद आ रहा है, हमने कुछ फॉर्मूला निकाला था वी आई टी करके, हाँ कि ना, भूल गए आप लोग, अरे कैसे भूल गए यार, निकाला तो था, यही तो था, वर्क डन इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, यहां से आपने डब्ल्यू निकाला था वी इंटू में क्यू, यहां पे टाइम से डिवाइड किया, टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज क्या बन गई थी आई, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आया था वी आई टी, निकाला था कि नहीं निकाला था ये चीज, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इस वी आई टी को, वर्क को आप यहां पर रख सकते हो कि नहीं रख सकते, तो अगर मैं इस वी आई टी को अगर वर्क की जगह पे रख दूंगा तो मेरा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, आपका v इंटू में i। तो पावर का जो एक नया फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया, जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वी आई यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट। तो पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर का आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आया है, वो क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप क्या बोल देते हैं, वोल्टेज। तो आपका एक फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया V इंटू में I। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है और करंट दे रखी है, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं, पावर को इजिली निकाल सकते हैं। तो यहां पे नीचे वाला पॉइंट आप पढ़िएगा, ये नीचे वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पावर होती है एक्सपेंड होती है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है, वो डिपेंड करती है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, और आपके किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिकल करंट पे। सिंपल सी बात है कि जो पावर है आप यहां पे देख सकते हैं कि पावर आपके पोटेंशियल डिफरेंस पे और करंट पे भी यहां पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अभी आपको मैं पावर के एट द एंड में तीन फॉर्मूले दूंगा, तो पहला फॉर्मूला आपके सामने ये निकल कर आ चुका है। दूसरे फॉर्मूले में हम कैसे बात करेंगे, हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो आपको मैं कुछ और फॉर्मूले कराने वाला हूं इलेक्ट्रिक पावर के। तो अभी तक हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है पावर का, दैट इज पी इक्वल्स टू वी इंटू में आई, जहां से अपने को पता लग रहा है कि पावर आपके पोटेंशियल डिफरेंस पे और करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और ओम्स लॉ को यूज करके आपके यहां पावर के फॉर्मूले निकालने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे अगर अभी हमने पढ़ा था, तो क्या था आपका पावर का फॉर्मूला, v इंटू में i था, ठीक है। आपने ओम्स लॉ यूज किया, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, v इक्वल्स टू
आई आर। तो जो मैं आपको पहला फॉर्मूला निकाल रहा हूं वो किसके टर्म्स में निकाल रहा हूं, आई और आर के टर्म्स में निकाल रहा हूं। तो यहां पे हम वी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, आई आर से। तो पावर क्या बन गया आपका, आई आर इंटू में आई। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया पावर का क्या आया, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला आपका यहां सर निकल के आ गया। अब आपको मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूँ वो V और R के टर्म्स में दे रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, पहले अपना लिखा था पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, हमने ओम्स लॉ यूज किया और ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम V और R को टर्म्स में यूज कर रहे हैं तो यहाँ से I को हम रिप्लेस कर देंगे, यानी P इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन R। तो यहाँ से आपका जो पावर का फॉर्मूला आया वो क्या आया, V स्क्वायर बाय R। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, थर्ड फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गया। तो आपने यहाँ पे पावर के मेरे से तीन फॉर्मूले आपने साथ साथ बोल दिए, कौन कौन से आपने इलेक्ट्रिकल पावर के तीन फॉर्मूले निकाले, एक निकाला P इक्वल्स टू V इंटू में I, दूसरा फॉर्मूला आपने क्या निकाला, I और R की टर्म्स में निकाला P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और तीसरा फॉर्मूला आपने किसके टर्म्स में निकाला, V और R के टर्म्स में, यानी P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। आपसे एग्जाम में इन तीनों फॉर्मूले को यूज करते हुए कुछ भी चीज फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने और इनके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जिसको आपके एग्जाम के अंदर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस के नाम से भी बोलते हैं। ये आपसे एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता बट आपको फिर भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो रेटिंग ऑफ, अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस अपने को पता है तो वहां से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और आपके करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि रेटिंग ऑफ डिवाइस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डिवाइस। एक वैल्यू होती है, जब आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखते हो ना तो पीछे आपके वहां पर वैल्यू लिखी होती है कि भैया ये कितना पावर आपका ले रहा है और आपके कितनी वोल्टेज ले रहा है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही आप क्या बोलते हैं बेटा, आप क्या बोलते हैं इनके अंदर, इन्हीं के रिलेशन को आप रेटिंग ऑफ डिवाइस बोलते हैं। अगर अपने को रेटिंग ऑफ डिवाइस पता हो, अगर अपने को रेटिंग ऑफ डिवाइस पता हो तो वहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे कैसे निकाल सकते हैं सर, अभी तो आपको पीछे देखा है, अगर मैंने आपको यहां पर करंट बता रखा है और आपको मैंने पावर बता रखा है, तो करंट और पावर को अगर आपको पता है यानी पी और आई पता है तो आप यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यहां से वी भी पता है आपको, तो ठीक है। तो आपको अगर मैंने ये बातें बता रखी हैं तो आप यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं आपको एक क्वेश्चन में बता देता हूं, क्वेश्चन से आप ज्यादा चीजें समझ जाएंगे। तो जैसे आपको मैंने एक लिखा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके पीछे वोल्टेज लिखी है 220 वोल्ट और मैंने आपको बोला है कि यहां पे इसकी पावर 100 वाट है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, आपको वोल्टेज दे रखी है, आपको पावर दे रखी है और आपको मैंने वोल्टेज और पावर के टर्म्स में कोई रिलेशन कराया है और रेजिस्टेंस भी साथ हो, पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन तीनों के बीच में आपको एक अभी रिलेशन पढ़ाया था मैंने, क्या था, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये रिलेशन आपने यहाँ पे प्रूव लिखा, ठीक है, और इस रिलेशन के अंदर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहां से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो आप इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मैं एक टेबल दिखाऊं तो टेबल के अंदर आपको चीजें देख के और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे अगर आपका एक ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट के पीछे नॉर्मल पावर लिखी होती है 40 वॉट की आपकी वो है, वो जनरली आपकी बाहर से जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट की हम मानते हैं। तो आपको पावर पता है, आपको वोल्टेज पता है, आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, करंट ड्रॉन कैसे निकलेगा, पी इक्वल्स टू वी इंटू में आई करके। तो ऐसे आप यहां पर रेटिंग ऑफ डिवाइस देख सकते हैं, क्लियर वाली बात। अगला आपका क्या आता है बेटा, टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा हम अब जूम कर लेते हैं जिससे आपको चीजें पता लगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल पावर को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म से भी बता सकते हैं, बताई थी ये बात मैंने आपको। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर आपने क्या लिखा, वर्क डन जो था इलेक्ट्रिकल बाइट अपना टाइम था, इसी चीज को आपने वर्क डन को आपने किस में लिख दिया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। और ये क्यों हुआ था, इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि अपने को पता है कि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपकी जो भी वर्क डन हो रहा है वो किस में बराबर है, आपका एनर्जी कंज्यूम में है। तो इसलिए आपने इसी वर्क डन को क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दिया, समझ में आ गया। तो आपका ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि यहां पर एक पावर का एक नया इलेक्ट्रिक पावर का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आता है जो मैं आपको बता चुका हूं, वो क्या था,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर जो भी आप वर्क डन कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप जो कर रहे थे, वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम में कन्वर्ट हो रहा था, इसीलिए आपने इस चीज को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का अगर आप यहां से फॉर्मूला निकालना चाहें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां का फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो आपका एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम आगे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है पावर इनटू में टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा जो हम रिपोर्ट करते हैं, पावर की यूनिट क्या होती है आपकी वॉट, टाइम की हम यहां पे यूनिट क्या ले रहे हैं आर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिपोर्ट करने का तरीका क्या है, वॉट पर आर। तो वॉट इंटू में आर आपकी जो होती है, वॉट आर जो होती है, ये आपकी क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट बोल सकते हैं। आपकी जो ऐसा यूनिट होती है ना बेटा, वो बहुत छोटी होती है, ये वॉट पर आर की यूनिट बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम इसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं, किलो वॉट पर आर यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिस चीज को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन वन वॉट आर, ये आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। अगर मैंने आपसे बोल दिया यहां पर क्वेश्चन कि भैया आप मुझे डिफाइन करो वन वॉट आर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, पहले आप जरा अगर डेफिनेशन पढ़ें कि वन वॉट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ वन वॉट पावर इज यूज्ड फॉर वन आर। देखो अगर मैंने वन वॉट आर बोला है तो ये क्या है, इसका ध्यान से समझना, आप इसके फॉर्मूले से समझना। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, यही बोला। अब समझना मैंने आपको क्या बोला है, आपको वन वॉट पर आर बताना है कि वन वॉट पर आर, वन वॉट आर ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, और आपको मैंने यही डिफाइन करने के लिए बोला है। तो वन वॉट आर क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन वन वॉट पावर इज, वन वॉट पावर आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जब आपकी एक घंटे तक रखी गई। तो आप पढ़ सकते हैं कि वन वॉट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ वन वॉट पावर इज यूज फॉर वन आर। इसको आप यहां पर देख सकते हैं, क्लियर ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगली चीज क्या है, जैसे मैं आपको बताया कि जो वॉट आर होती है वो बहुत छोटी यूनिट होती है, तो इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, किलो वॉट आर यूज करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, के डब्ल्यू एच। तो अगर मैं वन किलो वॉट पर आर बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, थाउजेंड वॉट आर के इक्वल होगा, ये बात आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज 1 वॉट पावर इज यूज्ड, या तो आपको मैंने बताई दी कि अगर मैं आपसे 1 वॉट के बारे में पूछूं कि 1 वॉट क्या होता है, तो 1 वॉट आपको पता है कि 1 वॉट क्या होता है, कि सर जब आपने 1 जूल एनर्जी को 1 सेकंड के लिए आपने यूज करा, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसको आप क्या बोलते हैं, 1 वॉट बोलते हैं, ठीक है। वॉट आपकी बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, किलो वॉट आर यूज करते हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अगर आपका यहां पर एक देगा कि 1 किलो वॉट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाइज अप्लाइंग फॉर 1 किलो वॉट इज 1, सिंपल है। अगर आपको पेपर में पूछ लिया कि भैया 1 किलो वॉट पर आर बता दो मुझे क्या है, तो कैसे बताओगे, सर 1 किलो वॉट, आप यहां पर डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो डेफिनेशन को आप मत देखिएगा जब तक मैं ना बोलूं। तो 1 किलो वॉट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कि 1 किलो वॉट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन पावर, आपकी किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पावर जो कंज्यूम्ड हुई वो कितनी हो, 1 किलो वॉट, और वहां पर जो आपने टाइम पीरियड लिया वो कितना लिया, 1 आर। इसको आप क्या बोलते हैं, 1 किलो वॉट पर आर बोलते हैं, क्लियर, 1 किलो वॉट आर बोलते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए डिफाइन 1 किलो वॉट आर, तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रिलेशन बताने वाला हूं किलो वॉट आर और जूल के बीच में, ये आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के नाम से भी टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि भैया 1 किलो वॉट आर के अंदर अगर मुझे जूल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप किलो वॉट पर आर को देखें तो ये किलो वॉट है, इसके अंदर कितनी वॉट होती है, 1000 वॉट। एक आर के अंदर कितने सेकंड्स, कितने 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स होते हैं,
ठीक है। वॉट क्या होता है आपके, अगर मैं वॉट को कैसे लिख सकता हूँ, जूल्स पर सेकंड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, तो ऐसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर मैं ध्यान से आपको आगे हम चलते हैं और इस बातों को डिटेल में करते हैं। तो अगर आप जरा यहां पर देखें, अगर आप जरा यहां पर देखें तो 1 किलोवाट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, और 1 किलोवाट को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या कन्वर्ट करने के लिए बोला, 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोला। तो कैसे करोगे, 1 किलोवाट का मतलब क्या है सर, 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट फॉर 1 आवर। अगर मैं आपको यहां पे पूछूं कि 1 वाट का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछूं मैं 1 वाट का मतलब क्या होता है, तो आपने क्या बोला था कि सर 1 वाट इज डिफाइंड एज कि जब आपने 1 जूल, आपने 1 जूल वर्क डन जो किया था जब वो 1 सेकंड तक आपका चला था, तो इस वाट की जगह आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस 1 आवर की बात करें, इस 1 आवर की अगर आप बात करें, तो 1 आवर को कैसे लिखा जा सकता है कि सर 1 घंटे के अंदर आपके 60 मिनट्स होते हैं और आपके 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसकी यूनिट यहां पे क्या आएगी, आपकी 60 सेकंड्स आएगी। ये सेकंड से आपकी ये सेकंड कट गया, तो आपकी ये पूरी चीज किस में हो गई, जूल में हो गई। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा, इसको आप कर लीजिए 36 × 10^5 जूल। अगर आप यहां पर एक डॉट और लगा देंगे तो ये आपका 10^5 ना रह के क्या बन जाएगा, 10^6। तो आपको जो रिलेशन याद रखना है वो क्या है, रिलेशन याद रखना है कि अगर मैं 1 जूल की बात करूं, अगर मैं यहां पर 1 किलो वॉट पर आवर की बात करूं, तो वो किसके इक्वल आती है आपकी, 3.6 × 10^6 जूल के इक्वल आती है। और इसकी आपको मैंने डेरिवेशन भी बता दी। तो अगर आपको मैंने बोला कि कहीं पर 3 किलोवाट पर आवर की यूनिट कंज्यूम हो रही है, तो मैंने बोला ये आपके जूल्स में कितनी है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 × 3.6 × 10^6 जूल। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो इक्वल होता है वो 3.6 × 10^6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होता है। अगला आप देखें तो अगर आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया आपकी एनर्जी जो होती है वो किस हिसाब से की जाती है, आपके मीटर के अंदर जैसे चल रहा है कि 5 किलोवाट पर एनर्जी है, आपने बिल, आपके जैसे एग्जाम में वो आता नहीं, आपका बिल आता है घर पे, तो बिल के अंदर लिखा होता है कि भैया इस महीने आपने 500 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करी, तो उसका मतलब क्या होता है, आपने जैसे वहां पर मैंने बोला आपने 500 किलोवाट पर आवर यूनिट्स को कंज्यूम करा, तो यहां पर आपकी ए इसका मतलब क्या है, आपने 500 किलोवाट पर आर का मतलब क्या है कि 500 किलोवाट का मतलब कि आपने वहां पर कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, 500 किलोवाट पर एनर्जी कंज्यूम करी है। अगर जैसे मैंने यहां पर बोला कि भैया 1 किलोवाट पर आवर की जो आपकी यूनिट है वो आपका जो रुपीज है वो कितना है, 3 रुपए आता है, ठीक है, तो आप बिल कितना निकालोगे अपना, जैसे 500 आपने यूनिट करी है, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट का आपका प्राइस कितना है, 3 रुपए, तो आपका बिजली का बिल कितना रुपए आ गया, 1500 रुपए आ गया। तो बिजली के बिल को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आपसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप स्क्रीनशॉट लो, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आप इसको करने की कोशिश करना। तो क्या बोल रहा है आपका, यहां पर बोला है कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग आपको दी हुई है, ठीक है, पावर आपको यहां पर दी हुई है कितनी, 350 वाट दी हुई है आपको। इसने बोला कि भैया मैंने इसको 10 घंटे के लिए ऑपरेट किया, ठीक है जी, आप क्या करो, कैलकुलेट करो, कॉस्ट कैलकुलेट करो कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, यानी एक दिन के अंदर आप 10 घंटे यूज कर रहे हो, तो आप कितने दिन के लिए निकालना चाह रहे हो, 30 डेज के लिए निकालना चाह रहे हो, ठीक है जी। और यहां पर आपकी एक यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको, 3.40 per kW/h दी हुई है, ठीक है। तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आपको पावर दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है और पैसा भी दे रखा है, तो आपको पैसे भी यहां पर कैलकुलेट करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, पावर इंटू टाइम होता है,
पावर आपको किसमें दिया हुआ था, वॉट में दिया हुआ था, आपने उसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर लिया। आपको टाइम कितना दिया था, 10 घंटे के लिए, यानी आपको 10 घंटे के लिए 30 दिनों के लिए दिया हुआ था, है ना, यही था ना। हाँ जी, 10 घंटे आपको दिए हुए थे, 30 दिनों के लिए आपको यहां पर दिया हुआ था। तो ये क्या आ गए, आपके आवर्स आ गए। एक एक दिन के अंदर आप 10 घंटे यूज कर रहे हो, 30 दिन के लिए कितना करोगे, 30 घंटे। तो ये आपका टाइम आ गया, ये आपका पावर आ गया। तो पावर और टाइम आ गया, तो यहां से आपने क्या निकाल ली, एनर्जी निकाल ली। अगर 105 किलोवाट पर आर आ रही है, 105 किलोवाट आर आ रही है, तो इसका मतलब आपने 105 किलोवाट आर यूनिट यूज करी है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपको 3.40 दी हुई थी, 105 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 3.40 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन थे और जहां जहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, आपको मैंने यहाँ पे पूरे कंप्लीट करा दिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज गिव अ थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।